नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं नितांशा। विशेष में आज की शुरुआत हम राजधानी जयपुर से करेंगे, जहां किसानों का इस वर्ष ग्वार गम खेती की ओर अधिक रुझान है। आपको बता दें कि इस वर्ष ग्वार गम की भावों में आए उछाल के कारण किसानों ने ग्वार गम को अधिक वरीयता दी है। राजस्थान में अब ग्वार गम की कीमतों में आए अचानक उछाल को देखते हुए किसानों का रुख ग्वार की खेती की ओर बढ़ा है। पिछले कई वर्षों से ग्वार में इतनी तेजी नहीं देखी गई जो इस वर्ष देखी गई। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। ग्वार में आई तेजी का कारण ग्वार निर्यात की मांग है। ग्वार का गर्मी में करीब 35,000 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल देखने को मिला, जो कि एक साल में ग्वार गम कीमतें 320% उछली। दामों को देखते हुए अन्य फसलों की बुवाई में गिरावट आ सकती है। इस वर्ष ग्वार की बुवाई करीब 35 से 40 हेक्टेयर पर की जा सकती है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कहीं अधिक है। ग्वार की खेती के बढ़ते दायरे को देखते हुए फसल उत्पादन भी बढ़ा है। वर्ष 2010 में जहां 10 लाख टन ग्वार की पैदावार हुई थी, वहीं इस वर्ष 2012 तक 25 लाख टन होने का अनुमान है। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 5 सालों से करीब 28 लाख हेक्टेयर पर बुवाई की गई थी और 2012 में 35 से 40 लाख हेक्टेयर पर बुवाई करने का अनुमान है। वहीं बाजरे की बुवाई का एरिया भी घट सकता है। कि हम ऐसी किस्म का विकसित करना जा रहे हैं जो कि जल्दी पकने ती हो, तकरीबन 80 दिन के आसपास पके, जिससे कि सूखा पड़े उसमें भी अपने जल्दी फसल प्राप्त हो जाए। किसानों को कि ग्वार की अच्छी पैसे मिले हैं, प्रति क्विंटल इस बार 35,000 रुपये पर क्विंटल तक प्राप्त हुआ है और वो अब भी 20 से 25,000 रुपये पर क्विंटल चल रहा है। अच्छे पैसे मिलने की वजह से इस बार मैं सोच रहा हूँ कि राजस्थान में ग्वार का जो है एरिया, जो अपने राजस्थान में 26 से 29 लाख हेक्टेयर के बीच में रहता है, वो इस साल बढ़कर तकरीबन 35 से 40 लाख हेक्टेयर तक जा सकता है। ग्वार के बीजों की बिक्री अन्य जगहों से भी अधिक हो रही है। ग्वार के भावों में तेजी होने के कारण किसानों का रुझान इस ओर अधिक है। वहीं दुनिया भर में ग्वार गम का एक्सपोर्ट भारत से होता है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट राजस्थान से किया जाता है। दुनिया भर में ग्वार की अधिक डिमांड होने के कारण व्यापारी इसका भाव आसमान पर चढ़ना मान रहे हैं, क्योंकि ग्वार के भावों में आज तक इतनी तेजी कभी नहीं आई है। फसल जैसे बाजरा मानते हैं अपन कि मेजर फसल राजस्थान में बाजरा होती है, बट पिछले दिनों के भावों को देखते हुए इस बार रुझान किसानों का बाजरा को नहीं लेकर के ग्वार की तरफ बहुत बड़ा है, क्योंकि ग्वार जो अमूमन कभी 30-32 रुपए से ऊपर नहीं आया, मतलब 3,000 रुपए क्विंटल, 3,500 रुपए क्विंटल, लेकिन पिछले भाव जो 40,000 रुपए क्विंटल तक पहुंच गया था, उसको देखते हुए किसानों का इस बार रुझान ग्वार की तरफ है। जबकि बाजरा मेन फसल है यहाँ का, फिर भी लोग उसको ना करके ग्वार पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ग्वार राजस्थान का फसल माना जाता था, लेकिन इस बार ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर भारत में ग्वार हर जगह लगाया जा रहा है, जहाँ इससे पहले कभी नहीं लगा। MP, UP सब जगह ग्वार किसानों की पहली पसंद बना हुआ है और वहाँ ग्वार को ही प्रायोरिटी में लेकर के ग्वार बोया जा रहा है। विदेशों में हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के रूप में उपयोग, ऑयल और फूड इंडस्ट्रीज में अधिक मांग होने के कारण ग्वार में अचानक तेजी होने का कारण माना जा रहा है। अमेरिका में तेल के कुएं में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में सबसे ज्यादा काम में लिया जा रहा है।
अमेरिका में ग्वार गम करीब $8.5 में बेचा जाता है। भारत और पाकिस्तान में ग्वार की बुआई होती है, जिसमें से भारत में 80 और पाकिस्तान में 20% ग्वार की बुआई होती है। वहीं राजस्थान के चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, जोधपुर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर में सबसे ज्यादा ग्वार की खेती हो जाती है। ग्वार गम का उपयोग टेक्सटाइल्स, पेपर, एक्सप्लोसिव, फूड, दवाइयाँ, सौंदर्य प्रसाधन, तंबाकू, लेदर, टूथपेस्ट, कंडीशनर, आइसक्रीम सहित तकरीबन 150 प्रोडक्ट्स में इसका उपयोग किया जा रहा है। ग्वार की फसल को कीटों से बचाने के लिए डॉक्टर एस के टांक ने नुस्खे बताए हैं, तो सुनिए ये नुस्खे उन्हीं की जुबानी। ग्वार के बीज की बुआई करने के पूर्व ही हमको इसके जो प्रमुख बीमारियां हैं, दो तरह की इसमें ज्यादातर बीमारी आती है। एक तो जीवाणु अंगमारी रोग आता है और दूसरा आता है इसमें रूट रॉट, जिसको रूट गलन भी कहते हैं। इनके लिए हमको बीजोपचार करना बहुत आवश्यक है। तो इस जो जीवाणु अंगमारी है, जिसको हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा संख्या मतलब प्रतिशत में आ रहा है और जिससे ग्वार की फसल को अप टू 30-40% से भी ज़्यादा इसका नुकसान होता जा रहा है। इसके कंट्रोल के लिए हमको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर और उसको ग्वार के बीज को 1.5 घंटे तक उसमें भिगोकर और फिर उसको वापस निकाल कर और उसको छाया में सुखा के और फिर बुआई के लिए काम में लें। इसी प्रकार इसके अंदर दूसरी जो बीमारी आती है रूट रॉट कॉम्प्लेक्स है, उसमें 2-3 तरह की जो फंजाई है उसके द्वारा ये बीमारी आती है। उसके कंट्रोल के लिए हमको बावेस्टीन 1 ग्राम और थायरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार करके बुआई करनी चाहिए। तो ये 30-35 दिन तक हम इस बीमारियों से हम बच सकते हैं। उसके बाद में हम इनका छिड़काव करेंगे, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसका छिड़काव करेंगे 150 ppm का सॉल्यूशन बना के और 35 दिन के बाद में इसका छिड़काव करेंगे, तब इस बीमारी की रोकथाम हम कर सकते हैं। मैं 5-1 बीघा में बोऊंगा। पहले क्या कितनी बीघा में बोते थे? कोई थोड़ी घनी बीघो अद्वीघो करे था, कौन करे था ना का जेवन टाइम डाडा ने चला देता। तो अब क्यों बोल रहे हो इतनी भाव कमा जा? अब भाई भाव चाहिए मान तो पैसा चाहिए, कोई तुम्हारे से का पैसा ले देना देना पड़ेगा। तो पहले का भाव की स्थिति थी और क्या है भाव को? तो पहले तक 2022 भाव सुबह डरी कौन चीन का मारे। के दामों में पिछले दिन हुई बढ़ोतरी के चलते किसानों का रुख इस बार ग्वार के प्रति देखा गया। पिछले वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो 29 लाख हेक्टेयर पर ग्वार का उत्पादन हुआ था। इस वर्ष 35 से 40 हेक्टेयर तक ग्वार का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। हम आपको बता दें कि ग्वार के बढ़ते दामों के चलते NCDX ने भी बाजार भाव बंद कर दिए थे। कैमरा पर्सन भवानी सिंह शेखावत के साथ राकेश मिश्रा, HBC न्यूज, जयपुर। हम बात कर रहे हैं ग्वार गम की फसल की, जिसका उछाल अचानक से इतना बड़ा है, किसानों का रुझान इसकी खेती के लिए बड़ा है। ग्वार गम काफी चीजों में उपयोग में लाया जाता है, तो चलिए इस सब के लिए बात करते हैं जयपुर से संवाददाता राकेश मिश्रा से। जी राकेश जी, ग्वार गम की फसल की बात हो रही है जहाँ किसानों का रुझान बढ़ा है और इसकी खेती में तेजी से वृद्धि हुई है, इस पूरे मामले पर आपके पास क्या जानकारी है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ग्वार गम की जो अचानक किसानों में जो इसकी जो जो रोचक बढ़ी है उसको मैं कहूंगा कि जो पिछले दिनों जो ग्वार गम की करीब 40,000 रुपए क्विंटल तक इसका जो दाम पहुंचा था उसको लेकर अब की बार किसानों में काफी उत्साह है और इसको लेकर इन्होंने ग्वार की अधिक पैदावार करने की सोची है। अगर कैसी वाकई आंकड़े पर गौर डालें तो पिछले 5 सालों में 28 लाख कुछ हेक्टेयर पर ग्वार गम
उगाई गई थी, लेकिन अब जो कृषि विभाग ने जो आंकड़े दिए हैं और जो टारगेट दिए हैं वो करीब 2012 में करीब 28.53 लाख हेक्टेयर पर ग्वार बोने का जो टारगेट दिया है। जी जी, जी शुक्रिया राकेश जानकारी देने के लिए। तो ये थे जयपुर से संवाददाता राकेश मिश्रा। एचबीसी विशेष में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के अन्नदाता ने इस बार काफी लंबे समय के बाद वर्षों से नहीं हो रही ग्वार पर अपनी किस्मत आजमाने के बारे में मानस बनाया है। अब तक किसान खरीफ की फसल में सबसे ज्यादा तवज्जो मुख्य रूप से बाजरा को देते थे, जिसके कारण ग्वार की फसल कम मात्रा में होने के कारण इसकी कीमत आसमान छूने लगी थी। हाल ही में ग्वार की कीमत 30 से 35 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। तो वहीं धौलपुर जिले के किसानों ने भी इस बार ग्वार की बुआई की और रुख किया है। मानसून की मेहरबानी के चलते इस समय धौलपुर जिले के किसान ग्वार की फसल की पैदावार करके अपनी किस्मत चमका सकता है। ग्वार के आसमान छूते दामों के कारण किसानों का मन इस बार ग्वार की फसल पर अधिक है। किसानों का मानना है कि ग्वार की कीमत अभी और भी ज्यादा बढ़ेगी और वे इस फसल से कहीं ना कहीं एक अधिक लाभ ले सकेंगे। वहीं किसानों का कहना है कि उन्होंने ये दाव कई वर्षों के बाद खेला है। पहले हम ग्वार करते थे, लेकिन 10 साल पहले हमने अब ग्वार बंद कर दी थी और रबी की फसल में हम बाजरा करते थे भैंसों के लिए चारे के लिए, और बाजरे से हमको काफ़ी मुनाफा होता था। लेकिन इस समय ग्वार का भाव देखते हुए हमने अब की बार अपनी फसल में ग्वार की है और जो करीब बताते हैं 40 हजार प्रति क्विंटल का भाव है, इसलिए हमने अपनी सभी खेतों में ग्वार की है। वर्षों से अब अभी ग्वार की है, हमने इतना महंगा भाव हुआ था इसलिए हमने कई अपने सभी खेतों में ग्वार की, तो अच्छा भाव होने के कारण हमने सभी खेतों में ग्वार करने के बावजूद और मानसून अच्छे रहे तो शायद हमें अच्छा मुनाफा भी हो सकता है और आगे भी शायद हम यही कार्य करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर कृषि विभाग के आंकड़ों की बात की जाए तो इस बार खरीफ की फसल के रूप में किसानों ने ग्वार को अधिक महत्वपूर्णता दी है। जिले में जहां पिछले वर्षों में 500 से अधिक 1000 हेक्टेयर में भी ग्वार की बुआई की जाती थी, जो इस वर्ष ग्वार के बढ़े दामों को देखते हुए 1500 से 2000 हेक्टेयर में बुआई की जाने की संभावना है। किसानों की उदासीनता और पिछले दिनों इस फसल के बढ़े उपयोग के चलते इस फसल ने आसमान छू लिया है। क्षेत्र लगभग 83,000 हेक्टेयर रहता था, ग्वार मात्र 500 से 1,000 हेक्टेयर में बोई जाती थी, लेकिन पिछले दिनों में देखा गया है कि ग्वार की कीमतें बहुत अच्छी ऊंची रही हैं। 35,000 रुपये प्रति क्विंटल तक इसकी रेट गई हैं। अभी भी 10-15 हजार के बीच में प्रति क्विंटल रेट बनी हुई है, तो किसान भाइयों की अपनी जो ग्वार की फसल है तो ज़्यादा मुनाफे में रहेंगे। ग्वार की अभी तक हमारे यहाँ जो बुआई का रकबा का आंकड़ा आया है वो 1500 से 2000 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। यदि मानसून की मेहरबानी रही और थोड़ा जंगली जानवरों से किसान भाई इसकी थोड़ी ग्वार की फसल अच्छा मुनाफा देगी, क्योंकि नगदी फसल है और यह पशुओं के चारे के अलावा गोंद के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसकी कीमतें निश्चित रूप से अच्छी रहने की संभावना है। तो किसान भाई फसल को पूरी तकनीकी के साथ अच्छी तरह बुआएं और अच्छा उत्पादन प्राप्त करें ताकि नगद राशि भी ज़्यादा से ज़्यादा। पहले हम बाजरा की फसल किया करते थे, अब हम जो क्या है ग्वार की फसल कर रहे हैं, क्योंकि ग्वार की कीमतें अधिक बढ़ चुकी हैं, ग्वार के दाम अधिक बढ़ चुके हैं। ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए हम ग्वार को खेतों में बो रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। अगर इंद्रदेव की मेहरबानी हुई तो हम